नमस्कार दोस्तों, आपका अपना भाई कुणाल शर्मा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया है। वेलकम बैक माय क्लास में। यूपीएससी का अगला एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। इनमें से जो ये अक्षर है ये ज्ञात करना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, पी तथा क्यू 5:6 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अंतर 99 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके सवाल कर देते हैं। ये सवाल है आपका 35 नंबर, ये सवाल है 36, ये सवाल है। तो एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं आप 35 को, ये मैं अभी रफ कर दे रहा हूँ। देखिए, मैंने ABCD के लिए बोला था आपसे कि ABCD अगर जितने अच्छे से नंबर में याद करेंगे उतना ही बेहतर होता है। इस तरीके से हमको देखना है, B से D की कितना स्पेस है। अब मैं वो तो लिख देता हूँ। देखिए, B से D का है, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, दो का है, और D से G तक 3, इस तरीके से। अब करते हैं इस वाले पे, ये मान के चलिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है। G से J का है 3, J से N तक का है 4। अब बात करते हैं तीसरे पे, N से R का देखेंगे, 4 स्पेस है। R से, अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पे 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 के बाद आएगा 5, तो हम यहाँ से डायरेक्टली 5 लिख देते हैं। तो R के बाद जो पांचवी वैल्यू होगी, 1, 2, 3, 4, 5 W। तो जो रिक्त स्थान है ये, इसका जो आंसर है वो है W। सिर्फ हमारे इसके पूरे अल्फाबेट्स के ऊपर ही ये पूरा सवाल निकल जाएगा। जो दूसरा सवाल है वो दूसरा सवाल आप कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे रफ कर देता हूँ। दूसरा सवाल है, पी और क्यू का अनुपात, पी और क्यू का अनुपात है 5:6। इन और उनके जो वर्ग हैं, वर्गों का अंतर 99 है, तो पी का मान निकालना है। सवाल को कर लेते हैं। पी और क्यू का अनुपात ये है, उन दोनों के वर्गों का अंतर 99 है, तो पी का मान निकालना है। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। माना P और Q का मान बराबर X। अब ले लेते हैं यहां पे, तो P का अनुपात है 5, तो ये हो गया 5X P बराबर, Q बराबर हो गया 6X। अब आ जाते हैं सवाल पे, जो वर्गों का अनुपात है
वो 99 है, मतलब इनके वर्गों का अनुपात यानी कि 5x को ब्रैकेट में बंद करके इनका वर्ग माइनस जो अंतर अंतर है तो माइनस 6x स्क्वायर बराबर 99। ये सवाल आ गया यहाँ पे। तो अभी नीचे स्पेस कम है तो मैं ऊपर रफ कर दे रहा हूँ। सवाल हमारा यहाँ पे आ गया है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25x 6 का स्क्वायर होगा 36x बराबर 99। लेकिन अभी जो है इसमें क्या होता है कि जो स्क्वायर है एक्स का वो सेम है, तो अगर हम पक्षांतर कर लेते हैं इन वैल्यूओं का कि एक्स को एक्स में ले लेते हैं और वाई को वाई में, तो ये आ जाएगा 36 में से 25 गए आपका 11x² बराबर 99। 36 में से 25 गए 11, आपका एक्स का जो स्क्वायर चल रहा है वो स्क्वायर अभी एज इट इज सेम है क्योंकि सिर्फ वैल्यू का स्क्वायर लिया है, और एक्स स्क्वायर बराबर इसको 11 को हम इधर लेके आएंगे 99/11, और 11 से 99 को भाग दें तो हमारी वैल्यू आती है 9 बराबर एक्स स्क्वायर 9। अभी हमारा एक्स पे स्क्वायर है तो इसका वर्ग, तो अगर वर्ग निकाले 9 का तो इसका आएगा 3, क्योंकि 3 × 3 ही 9 होता है। हमारा वैल्यू निकल गया है एक्स बराबर 3, जो हमने माना था ना P और Q का मान x है, तो x बराबर आ गया 3। अभी इसमें ले लेते हैं कि हमारा जो अनुपात था 5:6 था, तो हमारा x क्या है 3, और P क्या था, P का था 5, 3×5 बराबर 15। तो जो P का मान है वो 15 है। इस सवाल का आंसर ये रहेगा कि पी का मान 15 होगा, और जो इससे पहले सवाल बताया है उसका आंसर डब्ल्यू आई है, जो कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ हमें एक सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, पी तथा क्यू 5:6 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अंतर 99 है, तो पी का मान, तो हमने पी का मान अपना यहाँ पर निकाल दिया है 15। दोस्तों अगर और भी कोई सवाल आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।